हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नए वीडियो में। अगले वीडियो में आपको बताया था मतलब फिल्टर की दोनों फिल्टर मतलब कैंडल वगैरह मतलब दोनों फिल्टर मैंने साफ करके आपको दिखाया था। ये पार्ट टू वीडियो में आपको पूरी मशीन को मैं खोल के पूरी डिटेल मतलब बताऊँगा क्या क्या चीज़ है। और अगर आप इस वीडियो को अगर ध्यान से देखना, क्योंकि मैं ज़्यादा कमेंट्री इस वीडियो में नहीं करूँगा और मैं जो जो मेन पार्ट होगी मैं वो आपको बताऊँगा सिर्फ तो हम कैसे खुलती है। मतलब आप बाकी वीडियो को ध्यान से देखना, बाकी आपको पूरा डिटेल में पता चलेगी इस वीडियो में। तो चलते हैं वीडियो पर। एंड फ्रेंड, जो भी मतलब हमारे फ्रेंड्स हैं दोस्त हैं जो भी फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देखें, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है कि वो भी वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके उसमें फिल्टर वगैरह कैसे थे, कैंडल वगैरह कैसे चेंज हुआ है, सब उसमें डिटेल दी गई। फ्रेंड्स, फर्स्ट वाली जो पाइप देख रहे हो ये टंकी है, जिसमें मतलब पानी जो स्टोरेज होता है उसी पाइप के जरिए टंकी में स्टोरेज होता है। तो मैंने पहले सबसे पहले उसको चेक कर लेता हूँ कि पानी मेरे प्रॉपरली आ रहा है या नहीं, और कितनी मतलब कैसी पानी आ रही है, पूरी डिटेल में इसको देखते हैं। तो उसको सबसे पहले टेस्ट करते हैं कैसी है। तो चलते हैं फ्रेंड, देखते हैं पेड़ों में आगे को। तो फ्रेंड, देख सकते हो पानी आ रहा है, बट मतलब इतनी अच्छी जितनी मतलब जो पानी का टेस्ट है, टेस्ट थोड़ा बहुत चेंजेस हो गया था और पानी भी कभी कभी मतलब रुक के आ रहा था। जैसा कि आप देख रहे हो कभी कभी मतलब पानी रुक जा रहा है, कभी कभी बबल्स मार रहा है। उसको मतलब ठीक करने के लिए मतलब पूरी मतलब मशीन को खोलते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या उसमें प्रॉब्लम है और क्या चल रही है। मतलब गाइस, अगर सिंपल वे में समझोगे तो मतलब इसमें दो टू फिल्टर समझ लो, और दो टू एक मतलब आपका दो आर ओ होता है जिस मतलब पानी का टेस्ट चेंज होता है। जो फर्स्ट वाले देख रहे हो फिल्टर होती है, फिल्टर की तरह ही काम करती है जो, और उसके अंदर वाली जो है वो भी फिल्टर जैसी होती है। और जो ऊपर वाली जो आप देख रहे हो, ऊपर में जो टोर लगी हुई है टोटल तीन टोर लगी हुई है। तो मतलब जो फर्स्ट वाली रहती है, फर्स्ट वाली मेन होती है आर ओ, उससे आपका पानी का टेस्ट जो है चेंज होता रहा था। और जो दो टो है वो फिल्टर का काम करता है। तो सबसे पहले मतलब जो है फिल्टर को चेक कर लेते हैं प्रॉपर उसमें पानी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो देख सकते हो फ्रेंड प्रॉपरली पानी आ रही है और बहुत ज़्यादा स्पीड है, मतलब मोटर हमारी मतलब अच्छी ज़्यादा प्रेशर दे रही है। तो आगे चलते हैं और फिल्टर को पूरा मतलब क्लीन करके देखते हैं, तो और मतलब पानी की स्पीड बढ़ रही है या फिर मेरे को फिल्टर वगैरह चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलते हैं वीडियो पर और देखते हैं मतलब क्या क्या इसमें चेंज करना पड़ेगा और क्या है। तो जस्ट सेम प्रोसेस है फ्रेंड्स, मतलब क्लिप इसमें हर एक में क्लिप लगा हुआ रहता है। जैसे आप क्लिप को ऊपर करोगे तो ये हर चीज़ खुल जाएगी, तो हर एक पाइप वगैरह खुल जाती है, क्लिप रहता है हर चीज़ में। इसको आप ठीक से अगर आप ऊपर होते की तरफ करोगे तो हर एक मतलब क्लिप खुल जाएगी, इसलिए आपको इसको भी मैंने ऐसे एक करके खोला है। तो आप उसके बाद देखो क्या क्या मैंने देखता हूँ।
तो फ्रेंड्स मैंने फिल्टर को पूरी तरह से खोल लिया और उसको मतलब प्रेशर को चेंज करने के लिए उसको मतलब जो मोटर के जो मेन लाइन थी उसको मैंने अटैच किया ताकि मतलब जो पानी आ रही है उसकी नहीं आ रही है, अगर कुछ जाम वाम होगी तो इससे हमको पता चल जाएगा। बट हमको देख रहे हैं पानी का प्रॉपर आ रही है, बट मैंने उसको हल्का फुल्का मैंने टेस्ट वेस्ट करके देख लिया कि कहीं कोई गड़बड़ी वगैरह नहीं है तो वो नहीं है। तो मैंने देखा पानी थोड़ी बहुत हल्की कम आ रही थी तो मैंने उसको थोड़ा ये जो भी मतलब घर में चीज़ मिली हल्का फुल्का उसको टोटा कर देख लो, क्योंकि अगर मट्टी है जैसे पानी में गंदा होता है ना तो पाइप आके यहाँ पर फंस हो जाता है। जैसे कि देखे तो फिल्टर में वहाँ कैंडल में कितनी सारी मतलब गंदी पड़ी हुई थी, मट्टी उठी आ जाती है, उसकी वजह से मतलब इसको दोनों हल्का फुल्का मतलब टोक टाक के देख लो अगर पानी आ रही है मट्टी के से काम कर रही है नहीं जाम हो गई है कभी, क्योंकि कभी कभी ये पूरी जाम हो जाती है जिसकी वजह से मतलब वहाँ हमारी जो मेन जो लाइन है वहाँ पर नहीं पहुँच पाती है। तो इसको मतलब मैंने थोड़ा बहुत करके देख लिया, उसके बाद वापस मतलब प्रॉपरली वर्क करता था तो मैंने इसको वापस दोनों तरफ से क्लीनिंग कर लिया मोटर एकदम ये पाइप के जरिए। उसके बाद वापस इसको देखो मैंने क्या करती हूँ आप पूरी डिटेल इस वीडियो में है। तो फ्रेंड्स इसको मतलब खोल के मतलब दूसरी जगह पर ले जा रहा था ताकि मतलब इसको अच्छा से देखा जा सके। और तो मैंने सबसे पहले इसको मतलब जो मेन सप्लाई की लाइन थी वहाँ से मतलब इसको कट दिया और जो आउट जो वेस्टेज ऑफ वाटर की थी पाइप उसको मैंने निकाल लिया क्योंकि मेरे मशीन को पूरी पूरी खोलनी है। तो मैं दूसरी जगह पर ले जाता हूँ और इसको खोलता हूँ और मैं हर एक पार्ट को आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं वीडियो की और आप पूरी वीडियो को जब भी देखना। तो फ्रेंड्स पूरा अगर हम मशीन को खोल ही रहे हैं तो इसके मतलब टंकी को भी देख लेते हैं क्योंकि कहीं टंकियों की हमारी कचरा उचरा तो नहीं पड़ा हुआ, उसको खोल के मतलब टंकी को भी साफ़ कर लेते हैं और मतलब जो हमारी जो नल है उसको भी मतलब वो भी मतलब पुरानी हो चुकी है और देखने में मतलब अच्छी नहीं लग रही थी आगे से और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं करती थी। मैं उसको पहले नल को भी चेंज कर देता हूँ साथ में, तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखो कैसे कैसे मतलब क्या मतलब स्टेप बाई स्टेप आप हर चीज़ को देखोगे मतलब खुद साफ कर लोगे एकदम। तो फिर चलते हैं वीडियो पर। फ्रेंड देख सकते हो हमारी टंकी मतलब ज़्यादा बहुत ही क्लीन है, मतलब पानी यहाँ का बहुत अच्छा दिया, ज़्यादा ही ख़राब नहीं है, थोड़ा बहुत जो होते हैं मतलब टंकी में ही कचरा था, मतलब जो मतलब कैंडल था उसमें थोड़ी थे फिल्टर में दोनों में वही में कचरा था, बाकी मतलब टंकी में तो कचरा नहीं निकला। तो चलते हैं और आगे बार दिखाता हूँ बेटो। तो इसके बाद क्लीनिंग करने के बाद मतलब इसको नल को मैं खोलता हूँ और देखो मतलब क्या क्या होता है।
एंड फिर जो भी हमारे हाथ में दिख रहा हो और उसको उसके उसके जरिए हमारे मतलब जो ऑटोमेटिक जो कट होती है तो पानी का लेवल मतलब जैसे ही बढ़ता है और हमारे करंट कटती है तो वही मशीन काम करती है अपन। जो भी पानी का लेवल जैसे ही मतलब पूरा भर जाता है टंकी तो ऑटोमेटिकली मतलब टंकी उसका काम ये होता है कि मतलब जैसे ही मतलब टंकी का लेवल बढ़ जाए तो ऑटोमेटिक मशीन ऑफ हो जाती है उसकी वजह से। तो मतलब प्रॉपरली मतलब पूरा मतलब टंकी खोला था उसको तो भी लूज हो गई थी, मैंने उसको भी हल्का फुल्का टाइट कर दिया और जो मतलब हाथ में देख रहा हूँ मतलब अभी चलने लायक थी फ्रेंड्स, इसलिए मैंने उसको अभी मेरे पास न्यू पड़ी हुई थी बट मैंने उसको भी चेंज नहीं किया क्योंकि मतलब अभी चलने लायक थी थोड़ी बहुत। तो मैंने उसको भी देखा मतलब लगा कर चल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो बाद में है तो फिर बाद में चेंज करूँगा। तो फिर मतलब ऐसे ही मतलब फिट करके मैं अभी दिखाता हूँ आपको, उसके बाद मशीन को मतलब टेस्ट वेस्ट का पानी वानी करके मतलब देखते हैं क्या असर चल रहा है और क्या है। तो हमारे पास पानी टेस्ट करने के लिए तो मशीन तो नहीं है बट मैं ऐसे ही नॉर्मली जान लेता हूँ कि कैसी में पानी है कैसी चलती है कैसी मतलब नॉर्मल पानी चला वो इस मशीन के पानी पीने में तो पता चल ही जाएगा नॉर्मली। तो चलते वीडियो पर और देखो मतलब कैसे मतलब फिटिंग हो रही है स्टेप बाई स्टेप, आप कोई मतलब डिटेल देखते रहना कौन सी मतलब पाइप कहाँ पर फिट हो रही है बस, और मतलब फ्रेंड्स देखते रहना। तो फ्रेंड देख सकते हो हमारा पानी वापस मतलब वही कंडीशन में आ रही है, आप सेम मतलब सेम स्पीड से आ रही है, सेम प्रोसेस आ रही है और इसका वेस्टेज बहुत ज़्यादा ही आ रहा था। और मतलब समझो आप मतलब दो बाल्टी पानी में मतलब आधा बाल्टी पानी को फिल्टर कर रहा है, मतलब डेढ़ बाल्टी पानी जो वेस्टेज में डाल दे रहा है। मतलब इसकी मतलब अगर ऐसी कंडीशन हो आपका मशीन मतलब ज़्यादा वेस्टेज दे रही हो तो आप समझ जाना कि मतलब इसका आर ओ खत्म खराब हो गई है, तो आर ओ को इसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं मेरे पास तो आर ओ पड़ी हुई थी तो उसको मैं चेंज करूँगा। तो आप अगर इस ये वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसा मतलब आर ओ का चेंज करते हैं क्या करते हैं, मतलब पूरा डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो पार्ट मतलब टू ये पार्ट टू वीडियो था मतलब पार्ट थ्री वीडियो में आपको पूरी मिलेगी। तो चलते हैं वीडियो को, आप मतलब वीडियो को मतलब वीडियो को जरूर देखना पार्ट थ्री मतलब जल्दी ही आएगी। तो चलते हैं, तब के लिए बाय बाय और टाटा।